दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी और 12 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन सर्बियाई के स्टार खिलाड़ी नोवाक जोकोविच मैड्रिड ओपन से बाहर हो गए हैं। टेनिस का यह स्टार खिलाड़ी मैच के शुरुआती क्षणों में ही संघर्ष करते दिखाई दिया। अपनी खोई हुई फॉर्म वापस पाने की तलाश कर रहे जोकोविच कोर्ट में खुद से संघर्ष करते नजर आए, जिसकी वजह से उन्हें मैड्रिड ओपन से बाहर होना पड़ा। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में जोकोविच को ब्रिटेन के काइल एडमंड ने 6-3, 2-6, 6-3 से हराकर बाहर का रास्ता दिखाया। इस मुकाबले से पहले एडमंड के खिलाफ हर सेट जीतने वाले जोकोविच ने दूसरे सेट में जीत के साथ वापसी की, लेकिन 23 वर्षीय ब्रिटिश खिलाड़ी से वह पार नहीं पा सके। ये तीसरा मौका है जब एडमंड ने 12 या उससे कम रैंकिंग वाले किसी शीर्ष टेनिस खिलाड़ी को हराया है। ऐसा करके उन्होंने अपनी प्रतिभा का जबरदस्त नमूना पेश किया है। और वहीं फ्रेंच ओपन से ठीक पहले जोकोविच की इस हार ने उनकी तैयारियों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। वहीं विश्व नंबर 1 राफेल नडाल ने क्ले कोर्ट पर अपने लगातार सेट जीतने के सिलसिले को बरकरार रखते हुए 48 तक पहुंचा दिया है। बुधवार को नडाल ने फ्रांस के गेल मुंफिल्स को 6-3, 6-1 से हराकर ये मुकाबला हासिल किया। अगर नडाल एक और जीत अपने नाम करने में सफल रहे तो वह जॉन मैकलेनरो के किसी भी तरह के कोर्ट पर लगातार 49 सेट जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट डेस्क, शंकर अस्थाना की रिपोर्ट।